आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए समझे बहुत ही सिंपल और एकदम शुरुआत से कि डेरिवेटिव्स आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है। डेरिवेटिव के लिए आपको सबसे पहले डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव और जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है इज इंट्रोड्यूस बाय सर आइसक न्यूटन। बेटे सर आइसक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करा, एंड विल हेलम लेवेंटिस वाज द मैथमेटिशियन हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इसमें इन लोगों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इनका यूज मेरे बेटे कई फील्ड्स में किया जाता है। बिना डेरिवेटिव के ये समझिए आज की तारीख में कई सारे एप्लीकेशंस हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है डेरिवेटिव हमें वही काम जो कि मुश्किल तरीकों से हो सकता था या हो ही नहीं सकता था उसे आसान बनाता है। आखिर ये डेरिवेटिव है क्या, सबसे पहले देखते हैं सर आइसक न्यूटन ने इसके बारे में बेटे क्या कहा। तो उन्होंने इसको डिफाइन करा बेटे, इसको डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डेल्टा एक्स इज एन इंक्रीमेंट गिवन टू एक्स, देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कहते हैं। देखो भी तो उन्होंने कितने सिंपल तरीकों से ये बात बताइए। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें आप इंक्रीमेंट दीजिए और एक तरह से इंक्रीमेंट से आप एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स बना देंगे। इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, जब उसमें इंक्रीमेंट दिया तो अल्टीमेटली आपको पता नहीं कैसे, पर उन्होंने बोला आपको लाना है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और जैसे ही आप ये लेकर आ जाएंगे तो आपके पास होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यही होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सर ये बात उनकी डेफिनेशन में, जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी जाती है तो ये बात उन्होंने बताई है। यानी सब मुद्दे की बात यहां पर है बेटे कि एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है। तो बेटे इतनी सी बात है डेरिवेटिव के, सर इसमें लिमिट भी आ रहा है। बेटे लिमिट यहां तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर इसके लिए 11th लिमिट्स बेटे आप उसे जरूर देखिएगा, बाद में आपको इसके साथ में लिंक दे देंगे। उन्होंने ये बात आपको कही। सर ये कैसे काम करता है समझ नहीं आया, चलो बेटे एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम को इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। लीजिए बेटे हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। सर अब उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर एक इंक्रीमेंट दीजिए, पर यह ध्यान रहे कि जो एफ एक्स है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। इफ एफ एक्स इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब सर जब तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन नहीं आता। बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझो। तो डेरिवेटिव के लिए जरूरी है एक फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना। और अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, अगर हम इसको इंक्रीमेंट दे दे बेटे, हम लिख नहीं रहे बेटे, हमने बोला कि डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट गिवन टू एक्स, देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास हो जाएगा और इधर से हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सर उन्होंने उसके बाद कहा कि आपको बस ये इंक्रीमेंट दे, अब आपको ये लाना है। इसको लाने के लिए ध्यान से देखें तो इसमें से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, यस। यानी अगर मैं इसको कह दूं फर्स्ट और इसको कह दूं सेकंड, तो मैं करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और एफ
x plus delta x minus fx equals to sine x plus delta x minus sine x. ओहो, यानी ये डेरिवेटिव हम लेकर आ गए जो वो डेफिनेशन में कह रहे थे उनकी बात को हम लोग पूरा करते हैं बेटा, एक बार देखते हैं कि वो डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहे हैं। सर, डेफिनेशन का यूज करके हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, बिल्कुल जो डेफिनेशन है उसको यूज हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहां तक हम लोग आ गए। सर अब क्या करें, ये चाहिए सर दो चीजें और एक्स्ट्रा इसमें। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। बेटे ये हम कैसे अचीव करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यानी सर हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स और हमने लिमिट ले लिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। सर क्या ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। हमें इसको बैलेंस करने के लिए जो हम लेफ्ट के साथ चेंजेस ला रहे हैं उन चेंजेस को हमें राइट में भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमने इसको भी डिवाइड करा और लिमिट ले लिया। सर ये क्या कर रहे हैं आप, जो भी डेफिनेशन में डेरिवेटिव को बताया गया था हम उस डेफिनेशन का यूज करके इसके डेरिवेटिव को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली आखिर है क्या ही? और जब हम लोग इस तरह से इसे कर तो अब बात आती है कि ये क्या आया, ये क्या चीज हमारे पास है, ये पता नहीं क्या है। लेकिन राइट साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास आ चुका है एक लिमिट का क्वेश्चन। सर लिमिट का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना होगा, बिल्कुल बेटे। और इसके लिए आपके अंदर अब लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। देखते हैं कैसे आता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट में अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो अब हम क्या करें कि बेटा इसको ये मतलब फॉर्मूला बन जाए, ये कुछ ऐसा बन जाए। लिमिट के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए और डेल्टा एक्स की जगह हम जीरो रखें लेकिन अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। सर इसमें फॉर्मूला लग रहा है सर साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी। बट साइन सी में से अगर हम साइन डी माइनस करेंगे तो क्या फॉर्मूला लग रहा है सर, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। लो बेटे सी प्लस डी अगर हम ऐड करेंगे तो एक्स टू एक्स हो जाएगा बेटे अपॉन टू, तो यानी एक्स डेल्टा एक्स अपॉन टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी, इसमें से इसको माइनस करें अपॉन टू तो डेल्टा एक्स अपॉन टू और अपॉन में तो डेल्टा एक्स है ही। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास लिमिट में एक लिमिट के अंदर हम जानते थे एक्स टेंड्स टू जीरो एंड साइन एक्स अपॉन आपका एक्स इक्वल्स टू वन होता है। लो बेटे अगर मैं इसको टू से डिवाइड कर दूँ और टू से इंटू कर दूँ तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो ये वन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो आपके पास ये बन जाएगा बेटे वन और जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां आप जीरो रख दीजिए, टू कॉस एक्स प्लस जीरो। सर ये जीरो हो रहा है, यस बेटे, लेकिन यहां पर ये वन होगा और अपॉन में जो टू था उस टू से भी इस टू को कैंसिल कर दीजिए। लो बेटे ये आया आपका कॉस एक्स। सर ये तो वही आंसर आ गया, साइन का डेरिवेटिव हम रटते हैं। तो लो बच्चे, बट बच्चे इसे रटते हैं, रटने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। और इस तरह से साइन का डेरिवेटिव कॉस आया और हमने करा क्या, उसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को यूज करके हमने उसका डेरिवेटिव निकाला। एंड व्हेन डेरिवेटिव इज कैलकुलेटेड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। इसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं बेटे, इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब सर ये इसकी डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव निकालता है।